नमस्कार, YouTube चैनल आर के ज्योतिष 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि हमारी दुकान में कोई भी नौकर, कोई भी कर्मचारी टिकता नहीं है, परेशानी ही परेशानी होती है। 4 दिन काम करता है, भाग जाता है। 3 दिन काम करता है, भाग जाता है। हम किसी को ढूंढ कर लाते हैं, वो बहस भी करता है, काम भी तरीके से नहीं करता। उसके कुछ न कुछ शिकायतें उसकी आती रहती है और वो 2-3 दिनों में ही, 5-7 दिनों में ही, 10-15 दिनों में ही काम छोड़ देता है। ऐसा लगातार होता है तो हम क्या करें? हमारे जो काम करवाने वाले होते हैं वो हमको काम देते हैं, हम काम समय पर नहीं दे पाते हैं क्योंकि कोई कर्मचारी, कोई नौकर, कोई टिकता ही नहीं है हमारे घर में, चाहे हमारे दुकान में। हम क्या करें, इसको कैसे रोकें? इसको रोकने के लिए एक उपाय है, वो उपाय आप करें कि आप जब घर से ऑफिस जाएं तो रास्ते में आपको कोई कील मिल जाए, लोहे की कील रास्ते में आपको मिल जाए, तो उसको उठाकर आप अपने घर ले आएं। और उस दिन अगर शनिवार हो तो बहुत ही अच्छा होता है। उसको फिर क्या करें, भैंस के मूत्र में, उस कील को भैंस के मूत्र में आपको धोना है। भैंस के मूत्र में धोकर आप जो जहाँ पे आपके नौकर रहते हैं, जहाँ पर आपके नौकर रह के, चाहे घर में हो चाहे ऑफिस में हो, जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर एक काम करें, उस कील को गाड़ दें, दीवार पर गाड़ दें। और इसके गाड़ने के बाद में आपके जो नौकर है या कर्मचारी है, जो भी है, वो स्थिर हो जाएंगे। कील को कहाँ गाड़ना है, जहाँ पर ज़मीन है उस ज़मीन में गाड़ना है, दीवार पर नहीं गाड़ना है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके कर्मचारी या कोई नौकर है या जो काम करते हैं ना ऑफिस में, उनका मुँह है पूर्व या उत्तर की ओर रही, ये विशेषकर ध्यान रखना है। अगर पूर्व या उत्तर की ओर नहीं रह सकता है तो आप उसको उत्तर या पूर्व की तरफ कर लें। ऐसा आप करेंगे तो आपके कर्मचारी स्थिर हो जाएंगे, आपको कभी भी उनसे परेशानी नहीं होगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और कुत्ते को साथ में, जब तक वो स्थिर नहीं हो जाए, रोटी देते रहें, गाय को रोटी देते रहें। ऐसा आप करेंगे तो आपका सब काम और भी अच्छे हो जाएंगे। तो आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।